नमस्कार दोस्तों, मेरा स्नेल एडुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरे वीडियो की टॉपिक है हायर एफएससी क्या है और एफएससी हमें मंथली में क्या क्या इंस्पेक्शन करना पड़ता है, यानी एफएससी के अंदर हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है और एफएससी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट रहता है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले जो फायर का जो एफएससी है उसमें हमने बोर्ड में लिखे रखा है फायर हाइडेंट कैबिनेट, यानी एफएससी मंथली इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चेक करेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले एफएससी का फुल फॉर्म होता है फायर हाइडेंट कैबिनेट, फायर हाइडेंट कैबिनेट। अभी फायर हाइडेंट कैबिनेट के अंदर हमें क्या क्या मंथली इंस्पेक्शन करेंगे या क्या क्या चेक करेंगे उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहला नंबर में है क्या है कि फायर हाइडेंट चेक। हमें क्या है एफएससी के अंदर क्या है फायर हाइडेंट रहता है, इसको फायर हाइडेंट लैंडिंग वॉल भी कहा जाता है। तो ये करेंगे, ये फायर हाइडेंट लैंडिंग वॉल से या हाइडेंट से कोई लीकेज तो नहीं है, उसकी जो व्हील होता है वो खुला तो नहीं है, और जो ऊपर की जो लैंडिंग वॉल में रहता है उसको भी चेक करना होता है। और दूसरे नंबर में फायर होस पाइप क्या है कि एफएससी के अंदर हमेशा आपको दो क्या है फायर होस पाइप रहता है, कितना रहता है दो रहता है, तो वो कितना नोस रहता है दो नोस रहता है, वो कितने मीटर हर साइड में अलग अलग होता है एमटीआर। कहीं पे क्या है आपको 15 मीटर का भी होस पाइप मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं पे 30 मीटर का भी क्या है होस पाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये जो होस पाइप होता है, ये होस पाइप मतलब कौन सा होता है, कोई साइड में कैनवास भी रहता है और किसी किसी साइड में रबर का भी होस पाइप रहता है। तो हमारे जो साइट है उसमें क्या है कैनवास होस पाइप है। अभी हम तीसरे नंबर में चलते हैं फायरमैन एक्स, ठीक है। हमारे क्या है कि एफएससी के अंदर हमें क्या है फायरमैन एक्स भी रहता है, तो उसमें क्या चेक करना पड़ता है, उसमें फायरमैन एक्स उस एफएससी के अंदर है नहीं है, उस फायरमैन एक्स के जो क्या है उसमें कोई जंग तो ज्यादा नहीं लग गया है, ठीक है, उसके चेक किया जाता है। और फायरमैन एक्स के बारे में और एक चीज बता देता हूँ कि फायरमैन एक्स में जो हम पकड़ने वाली हिस्सा होता है जो रबर उसके आइसोलेशन रबर से लिपटा होता है, तो उसकी क्या होता है हम कहीं पे भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी चीज तोड़ना है, किसी चीज काटना है, यानी हमने कोई भी चलते हुए इलेक्ट्रिसिटी में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रबर के आइसोलेशन है वो कहीं कहीं पे क्या है 11000 वोल्टेज में टेस्टेड होता है, और कहीं कहीं पे क्या होता है 20000 वोल्टेज में भी टेस्टेड होता है वो फायरमैन एक्स। तो हम अभी नेक्स्ट तीसरे नंबर में चलते हैं। उससे पहले मेरा वीडियो में आप नए हो तो प्लीज मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी ऐसा कंटेंट या सीखने मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि चौथे नंबर में आपको मैं लिख लेता हूँ क्या है फायर होस रील ड्रम। क्या होता है कि एफएससी के अंदर एक फायर होस रील ड्रम होता है, वो क्या करता है उसको हम कहीं पे भी यूज करने के लिए दौरान जो जहां पे भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो वो छोटा मोटा आग होता है, हमको पता लग गया कि ये बड़ा हाइडेंट बिना यूज करे ये बुझ सकते हैं, तो हमें होस रील यूज करना है। तो उस ड्रम की कोई कंडीशन देखना है, उसमें कोई ज्यादा जंग तो नहीं लग गया है, वो मूविंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई मतलब ग्रीस या ऑयलिंग का तो कोई जरूरत नहीं है, वो होस रील ड्रम को हम क्या है चेक करेंगे। पांचवें नंबर होस रील ड्रम
पाइप। एक हार्ड रबर के होस्ट ग्रिप ड्राइव में क्या है, छोटा सा क्या होता है, 9 mm का पाइप लपटा हुआ होता है, उसमें वो चेक करेंगे कि उस पाइप में कोई लीकेज तो ज्यादा लीकेज तो नहीं है, उसकी जो मेन आइसोलेशन वाल है उसको खोल के आगे वाला जो सेट ऑफ नजल में रहता है उसको बंद करेंगे और उसके बाद प्रेशर देके वो पाइप को चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं है। ठीक है, अभी हम चौथे नंबर में जाता हूँ। चौथे नंबर में क्या है, फायर होज रील, ठीक है, शट ऑफ नोजल, शट ऑफ नोजल। आप कहीं पे भी अपने बुक में इसको लिख भी सकते हो, आपको कभी भी आपको याद रहने के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको मतलब अपने स्क्रीनशॉट या किसी कॉपी में आप नोट भी कर सकते हो। इसमें क्या है, होज रील शट ऑफ नोजल, क्या है कि होज रील डैम में सबसे आगे एक शट ऑफ नोजल लगता है छोटा सा, ठीक है, उसमें क्या है वो वाल होल कर रहा है नहीं कर रहा है, उस वाल में ज्यादा जंग तो नहीं लग रहा है, वो वाल कोई फ्री तो नहीं हो गया, वो भी हम चेक करेंगे। अभी सात नंबर में क्या है, सात नंबर में होज रील, फायर होज रील ड्रम, होज रील ड्रम आइसोलेशन वाल, आइसोलेशन वाल कि फायर होज रील ड्रम आइसोलेशन वाल, फायर हाइडन और होज रील ड्रम की जो मेन आइसोलेशन वाल है जिससे ऑन ऑफ करता है जो वाल होता है जो हम प्रेशर देता है होज रील ड्रम को, वो कोई जंग तो नहीं लग गया, उसमें कोई मतलब फ्री तो नहीं हो गया, वो वाल होल्ड कर रहे नहीं कर रहे, वो भी हम चेक करेंगे। अभी आपको आठवें नंबर में बता देता हूँ। आठवें नंबर में क्या है, स्प्रिंकलर लाइन, स्प्रिंकलर लाइन, ठीक है, बटरफ्लाई वाल, क्या एफएससी के अंदर स्प्रिंकलर लाइन भी रहता है, क्योंकि वहां पे क्या है दो राइजर रहता है एफएससी के अंदर, एक स्प्रिंकलर का होता है एक हाइडन राइजर होता है, और कहीं पे भी कोई पे भी किसी भी फ्लोर में जो क्या होता है कि जो एफएससी के अंदर जो स्प्रिंकलर लाइन होता है उसमें क्या है कि जो इनपुट स्प्रिंकलर लाइन वाल होता है वो चेक करना होता है कोई लीकेज तो नहीं है, इनकेस ऑफ कभी स्प्रिंकलर टूट जाए अपने आप को, कभी आग लग जाए, कैसे है क्या है इस वाल को मतलब क्या होता है होल हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे हमें उस वाल को बंद करके हमें लाइन ड्रेन करके स्प्रिंकलर लाइन का खाली करना होता है, उस टाइम क्या होता है इनकेस ऑफ कभी वो वाल होल नहीं होगा, पानी आते रहेगा क्योंकि स्प्रिंकलर में भी पानी आते रहेगा, तो ये भी वाल चेक करना बहुत जरूरी है। नौ नंबर में क्या है, नौ नंबर में हो गया स्प्रिंकलर ड्रेन, ड्रेन लाइन वाल, स्प्रिंकलर ड्रेन लाइन वाल क्या होता है, कभी भी हम स्प्रिंकलर में कोई भी काम करना होता है, स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना होता है, कभी आग लग गया किसी के द्वारा स्प्रिंकलर फूट गया है, तो उस टाइम क्या होता है जब हमें स्प्रिंकलर का जो जितना भी राइजर का जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है उसको ड्रेन करना होता है, तो ये ड्रेन वाल हमें खोलना पड़ता है, और ये ड्रेन वाल हमेशा होल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये भी हम क्या है स्प्रिंकलर ड्रेन लाइन को क्या करेंगे चेक करेंगे। उसके बाद 10 नंबर में है फ्लोर स्विच, फ्लोर स्विच क्या होता है एफएससी के अंदर कहीं कहीं पे किसी किसी साइड में फ्लोर स्विच रहता है किसी किसी में नहीं रहता है, लेकिन मैं बताता हूँ फ्लोर स्विच फायर अलार्म से रिलेटेड है, जैसे कोई भी स्प्रिंकलर लाइन में हलचल होगा वो कहीं पे भी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ये फ्लोर स्विच अपने आप क्या होता है एक्टिव होगा, तो एक्टिव होने के बाद इसको 24 वोल्ट के द्वारा इसको क्या है फ्लोर स्विच को ऑपरेट हमेशा 24 वोल्ट दिया रहता है, तो ये क्या है कि जैसे ही ये कोई भी स्प्रिंकलर लाइन में पानी का हलचल या प्रेशर ड्रॉप होगा ये फ्लोर स्विच अपने आप एक्टिव होगा, मॉड्यूल को देगा उसका जो भी कनेक्टिविटी, उसके बाद वो पैनल में
शो करेगा कि उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस एफएससी के अंदर, मतलब वो क्या है कि कोई स्पिकलर लाइन में कुछ कुछ भी घटना घटित हुआ है, स्पिकलर पट्टा है या प्रेशर लो हुआ है, वो क्या करेगा, फ्लोर स्विच इंडिकेशन दे देगा। अभी क्या हो गया, 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, फायर डोर, फायर डोर लॉक चेक, फायर डोर लॉक चेक। जैसे हमें एफएससी के अंदर, आपको पता है हमेशा क्या होता है, एफएससी लॉक रहता है, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी में उसको शीशा तोड़ने के लिए, ठीक है, एक पास में क्या होता है, एक हथौड़ा भी रहता है, ठीक है। तो इसको क्या है कि फायर जो क्या है कि डोर है, एफएससी का डोर है, वो हमेशा लॉक होना चाहिए, क्योंकि इसका मेन रीजन ये होता है, फायर का जो एसेसरीज रहता है वो क्या है, कभी किसी ने मतलब वो वहां से उठा के दूसरी जगह ना ले, कोई चोरी ना हो, और हमारे फायर के जो भी एसेसरीज है, जो भी इक्विपमेंट, एक सेफ जगह में रहे, और इन केस ऑफ इमरजेंसी में हमें उसको तुरंत हम यूज कर सके, इसके लिए हम फायर डोर का भी क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। नंबर में क्या है, फायर डोर लॉक चेक। और एक अच्छा जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट वो भी रहता है, उसमें क्या है, ब्रांच ब्रांच पाइप, शॉर्ट ब्रांच नोजल, ठीक है। एक क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक पीतल की ये एक शॉर्ट ब्रांच रहता है, जिसके जरिए हम जेट जो जिसके जरिए हम फायर एफएससी को, हाइड्रन को जो ऑपरेट करते हैं, उसके जरिए हम फायर फाइटिंग करते हैं या पानी को प्रेशर के द्वारा ले जाते हैं, उसको बोलता है शॉर्ट ब्रांच पाइप नोजल। कोई कोई इसको नोजल भी बोलता है, किसी किसी साइड में उसको ब्रांच पाइप बोलता है, किसी किसी ने उसमें क्या बोलता है, शॉर्ट ब्रांच बोलता है। अभी तीसरे नंबर में क्या, और 13 नंबर में क्या हो गया, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन टैग। क्या एफएससी के अंदर क्या होता है, एफएससी के अंदर क्या होता है, हर मंथली क्या क्या चेक किया, क्या क्या चेक नहीं किया, उसके ऊपर एक टैग भी, एक टैग हिस्ट्री कार्ड भी लगाया जाता है, ठीक है। वो हिस्ट्री कार्ड में कुछ भी कमी हो, कुछ भी चीज हो, उसको क्या है कि उसमें मेंशन किया जाता है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपने मेंटेनेंस सिक्योरिटी या फायर के रिलेटेड जो भी आपके दोस्त हो, ये वीडियो आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप नमस्कार, जय हिंद।